हेलो मित्रों, स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलोन मस्क का इरादा साफ और पक्का है कि वो इंसानों के लिए जीवन कई सारे ग्रहों पर मुमकिन बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? हाल ही में जो रोगन के साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि धरती के सामने कई सारे खतरे हैं जिन्हें देखते हुए उन्हें लगता है कि बाहर भी ठिकाना ढूंढना जरूरी है। एलोन मस्क ने इस दौरान बताया था कि पूरी गैलेक्सी को अपना घर बनाया जा सकता है, इसके अलावा कुछ पड़ोसी गैलेक्सीज को भी। हाल ही में एलोन मस्क की कंपनी ने एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करके भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है और आसमान में सबसे बड़े सैटेलाइट बेड़े की तैयारी में लग गई है। एलोन मस्क का कहना है कि इंसान नेचुरल डिजास्टर्स के साथ अपनी करतूतों के भी भरोसे हैं। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा था कि ये सिर्फ हमारी प्रजाति के बारे में नहीं है, कई विशाल उल्कापिंड, ज्वालामुखी, महाद्वीप अपनी जगह से हट गए हैं। धरती कभी बर्फ की गेंद जैसी थी और कभी बेहद गर्म। धरती की हिस्ट्री बहुत लंबी और कठिन है और इसमें जीवन कई बार खत्म हो चुके हैं। धरती को एस्ट्रॉइड की टक्कर जैसी घटनाओं को देखते हुए ही मस्क इंसानों को लाइट से कम स्पीड पर भी एक सोलर सिस्टम से दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। तबाही का देवता कहे जाने वाले एस्ट्रॉइड अपोफिस अगले महीने धरती के करीब से गुजरने जा रहा है। ये महाविनाशक एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे खतरनाक चट्टानों में से एक माना जाता है। अपोफिस करीब 370 मीटर चौड़ा है। ये एस्ट्रॉइड कितना शक्तिशाली है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर ये पृथ्वी से टकराता है तो 88 करोड़ टन TNT के विस्फोट के बराबर असर होगा। हवाई यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि इस एस्ट्रॉइड की स्पीड समय के साथ काफी तेज होती जा रही है और अगले 48 सालों में ये पृथ्वी से टकरा सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। नासा के साइंटिस्ट इसके हर कदम पर नजर रख रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी ये पृथ्वी से टकराएगा या नहीं इसका ठीक ठीक पता साल 2029 में चल सकेगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तमाम ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।